Hi guys, what's up? This is my first vlog. मेरा रियल नाम गजेंद्र है एंड माय निकनेम इज हनी एंड आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल फ्रॉम माय निकनेम व्हिच इज कॉल्ड व्लॉग्स विद हनी. आज मेरा पहला व्लॉग है सो आई एम गोना गो फॉर अ हेयर कट. काफ़ी दिन हो गए हैं, आई हैवंट कट माय हेयर डन. पहले तो घर पे ही कर रहे थे, कुछ ना कुछ चालू ही था घर पे, पर अब कब तक यू नो घर पे करेंगे. अब काफ़ी प्रिकॉशंस भी आ गए हैं, बाहर धीरे धीरे खुल रहा है सब कुछ. सो लेट्स आई थिंक लेट्स टेक अ चांस. मैं आप लोगों को अवेयर करूंगा, बताऊंगा क्या सैनिटाइजेशन प्रोसेसेस है उनका, कैसे वो लोग यू नो दे हैंडल स्टफ एंड एवरीथिंग फॉर अ हेयर कट. काफ़ी मेरे तो दोस्त डरे पड़े हैं, पता नहीं अब मैं भी पहले डरता था, बट देन यू नो अब गवर्नमेंट इज ओपनिंग अप, लॉकडाउन ख़त्म होने के पास ही है. आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड दिस कोरोना गेट्स ओवर रियली सून. आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है काफ़ी तेज, और यार काफ़ी बढ़ भी गए हैं मेरे बाल ऐसे आप देख सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू दिस हाकिम आलिम सलून विच इज़ इन बैंड्रा. उनके काफ़ी ब्रांचेस हैं, एक वर्सोवा में है, एक ओशीवारा में है और एक बैंड्रा में, जहाँ तक मैं जानता हूँ. बाकी मुझे पता नहीं है कहाँ पे है मुंबई में. तो आई लाइक द बैंड्रा वन बिकॉज वहाँ पे मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है, तो एक बार आदत तो आपको पता पड़ जाती है तो अच्छा है. तो बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सैनिटाइजेशन प्रोसेस है, कटाने चाहिए, इज इट सेफ और इज इट नॉट सेफ, आप वो खुद डिसाइड करेंगे अपने लिए. सो बाकी तो अगर आपके कुछ भी मन में सवाल होंगे तो पहला व्लॉग है, कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, और ज़रूर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज़रूर दोस्तों के साथ अपने शेयर करना ये बात. सो लेट्स डिस्कवर टुगेदर, लेट्स गेट स्टार्टेड. जाने का टाइम है, मास्क पहन लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली मास्क पहनना ज़रूरी है. हाँ, अपनी गाड़ी की चलो बाय. बाकी आई होप मेरी यूट्यूब फैम सपोर्ट करें. तो अपना गाड़ी की तरफ जा रहे चल के, बारिश रुकी हुई है अभी तो काफ़ी देर हो गई है. मास्क का आपको आई थिंक होप आवाज़ आ रही होगी क्लियर, थोड़ी मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि मास्क अभी तो रूल कुछ ख़त्म हुआ नहीं है, अभी तो रूल है हमारा अभी भी चालू, लॉकडाउन हम है मुंबई में, है केसेस भी काफ़ी बढ़ गए इधर मुंबई में. कुछ आज मैंने सुबह चेक किया था 17 लाख थे शायद, बढ़ तो रहे हैं पर धीरे धीरे खुल भी रहा है सब, तो अच्छी बात है. गवर्नमेंट चाह रही है लोगों को बाहर आए क्योंकि काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है लोगों को घर बैठे बैठे, सही नहीं है मतलब वो. बस तो हम पहुंच चुके अपनी गाड़ी की तरफ, मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा. ब्यूटी माय ब्यूटी. हो बैठ चुके हम गाड़ी में अपनी, चालू करेंगे इसे, म्यूट करेंगे वीडियो. पेट्रोल डीजल शायद कम है इसमें, अब हम डीजल भराएंगे पहले तो. चलो फिर सब ठीक, हम निकले, पहला व्लॉग चालू है हमारा, लेट्स गो. अच्छा काफ़ी अच्छा हो गया मौसम, काफ़ी जम रहा है, बारिश है यहाँ पे. पहुंच चुके हैं जुहू, जहाँ आप देख सकते हैं भराने जा रहे हैं हम.
काफी गाड़ियां भी हैं रोड पे अभी। आज कम है ट्रैफिक, आज मैं जो दिन पे शूट कर रहा हूँ आज पहला व्लॉग, ईद है, 1 अगस्त है आज, तो बकरा ईद है आई थिंक, तो लोग तो नहीं दिख रहे ज़्यादा रोड पे, हमेशा जैसे होते हैं ईद पे। काफ़ी स्ट्रिक्ट है वैसे तो अभी भी पुलिस, लॉकडाउन पकड़ रही है, अगर आप कोई रूल ब्रेक करो तो उसके लिए भी काफ़ी वो है। तो अब हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, तो हम मारेंगे लेफ्ट। भैया जी खड़े हैं हमारे लिए, पेट्रोल भराना है अभी हमें, डीजल फुल करना, यहाँ पे आऊँ बस। अच्छा ओके बस, गाड़ी बंद कर देते हैं हम, तो विंडो बंद कर देते हैं, बात ही आवाज़ आई है। हाँ तो मैं बोल रहा था मेरा सीनियर स्टाइलिस्ट है जो मेरे बाल काटने वाला है हाकिम, में काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको, और बस बाकी तो सब सही है। देखते हैं हम उसके बाद पहुंच जाएंगे, 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ट्रैफिक तो है नहीं, ट्रैफिक होती तो मैं बोल सकता था आधा घंटा पहले, तो काफ़ी टाइम लगता था। एक लॉकडाउन का फायदा है कि ट्रैफिक काफ़ी कम मिलती थी आपको। हो चुका है हमारा डीजल, कितना हो चुका है, 630 किलोमीटर, काफ़ी है। लोनावला जा सकते इतने पेट्रोल में, तो हम बांद्रा तक ही जाना पा रहा है आज, हमारा कुछ प्लान नहीं है। और बाल कटाने के बाद तो अभी कुछ प्लान तो है नहीं, एक मेरा दोस्त जा रहा है जरा अपने होम टाउन लॉकडाउन में, तो उसको मिलेंगे शायद शाम को, देखूंगा अगर व्लॉग रिकॉर्ड पॉसिबल हुआ तो उसका एक नया व्लॉग बनाऊंगा। अभी तो हेयर कट व्लॉग है ये, तो बस हेयर वी को। तो हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल के काफ़ी करीब, आई थिंक 500 मीटर होगा या 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। पार्किंग हमें ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे, पार्किंग आई हैव नो आइडिया कहाँ मिलेगी। आप यहाँ देख सकेंगे, ये हैं हाकिम वाले, जिस वाले हम जाएंगे अंदर, हम पहले देखेंगे, टर्न मारेंगे, पार्किंग ढूंढते हैं कहाँ मिलती है। तो आई थिंक वैले वाला है, आई थिंक वैले वाले आएंगे भैया। हाँ चाबी यहीं पे पड़ी है, ठीक है थैंक यू भैया। तो अब हम पहुंच चुके हैं आपकी मालिन बांद्रा, हेलो। तो अब हम चल रहे हैं, हाय, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द नेम ऑफ हनी, यस यस या श्योर। Oh no, I didn't. Give me a second. Yeah, sure. So we have done the sanitization right now. तो अब हम बैठ चुके हैं हाकिम आलम में, खाली है काफ़ी सलून। आई हैव टोल्ड देम टू कट माय हेयर अ लिटिल शॉर्ट फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ से भी हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, आई डोंट वांट टू कीप इट टू लॉन्ग बिकॉज आई मीन आई लाइक अ शॉर्ट हेयर, यू नो। गोइंग फॉर अ हेयर वॉश राइट नाउ, गोना हैव अ वॉश हेयर। मास्क तो कंपलसरी है ऑब्वियसली, मास्क इज कंपलसरी आउट हियर, यू कांट रिमूव योर मास्क बिकॉज प्रिकॉशन ऑब्वियसली। या टेम्परेचर लुक्स गुड।
हो चुका है मेरा स्टाइलिंग बाकी है। आई शो यू द स्टाइलिंग हाउ दे आर डूइंग इट, हाउ दे आर डूइंग द स्टाइलिंग। मेरा हेयर कट हो चुका है, दिस इज हाउ इट लुक्स माई हेयर कट। उन लोगों ने स्टाइल भी किया है, दे हैव स्टाइल्ड इट फॉर मी। आई विल शो इट, मास्क कैसे अलाउड नहीं होता ना, बट आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर अ सेकेंड। सी दिस इज हाउ इट लुक्स, आई विल शो यू द बिल, इट कॉस्टेड मी अराउंड 2000 rupees। आई विल शो यू द बिल वन, दिस इज हाउ द बिल इज 188 हाकिम आलिम। यार मुझे पता है ये बहुत अच्छा बाल काटते हैं, दैट्स द रीजन आई हैव कम हियर। यू गाइस कैन ट्राई इट बिफोर, पर आपको आने से पहले यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। ऐसे वो एंटरटेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप जाओगे तो अगर स्लॉट खाली हुआ तो शायद ले लेंगे, वैसे वो लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। सो आई होप अब हम घर जा रहे हैं, घर से घर के लिए कुछ सामान उठाना नहीं है शायद। आई विल शो यू द वे बैक होम, कीप ट्यून। बाकी अभी बस खत्म ही होने वाला है व्लॉग, सो लेट्स रोल। तो फाइनली अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा दिन था आज का, पहला व्लॉग था मेरा, शायद कोई गलतियां ना हुई हो एडिटिंग के टाइम पे, मैं देखूंगा वो। सो बस अभी काफी अच्छा दिन था, मुझे अच्छा मजा आया। जा रहे हैं घर अपने, तो मैं बताऊंगा आपको मुझे कैसा लगा। बाय बाय। सो मेरे को जैसे वो बता रहे थे कि उनका हेयर कट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद मेरा हेयर कट था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो जैसे बता रहे हैं कि वो काफ़ी सैनिटाइजेशन करते हैं, लाइक एवरी कस्टमर के बाद वो सीट सैनिटाइज करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो सुन के, और वो काफ़ी सेफ्टी मेजर्स भी ले रहे हैं। So I think it's a good idea to have a haircut according to me. I don't know for you guys, आपको खुद सोचना है वो, आपको अगर पसंद है तो आप श्योरली जाइए, ज़रूरी नहीं हाकिम आलिम जाइए, कोई भी सलून जाइए अपने लोकल एरिया में। अगर पसंद आता है तो कटाइए अपने बाल, क्योंकि मेरे लिए तो सेफ था, बाकी आप लोगों की मर्जी है। सो इट वॉज़ अ नाइस डे, आई होप यू गाइज इन्जॉय माई व्लॉग। पसंद आया तो ज़रूर वो सब्सक्राइब बटन को पंच मारिए, तोड़िए स्क्रीन अपना, जो करना करिए, पर सब्सक्राइब होना चाहिए,
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है और आई एम श्योर यू कि इसके बाद जल्दी 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 मैं व्लॉग्स निकालता रहूँगा। एंड यू गोना गाइस एंजॉय इट, आई होप यू एंजॉय इट। सो हिट द सब्सक्राइब बटन, लेट्स कीप गोइंग। इट्स योर बॉय हनी अरोरा।